जब मैं घर पहुंचा हूं तो अंदर देखा है सारा पानी था। कैमरा साफ था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर से होंगे, फटफट होंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय चैनल। आज हमारा ब्लॉग करने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन आज हम आए थे जलालपुर और हमें मिले हैं भाई जान, इनके पास मैं अक्सर आता रहता हूँ और आज भी हम इधर आए हैं। ये पेट्रोल पंप पे होते हैं यहाँ पे शॉप। हमने आजकल व्लॉग्स वगैरह छोड़े हुए थे तो भाई ने कहा आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो हमने कहा यहीं से आप स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। शुक्र है भाई, है हमारे भाई हैं तकरीबन पिछले 3 सालों से, तो आज पहली दफ़ा तकरीबन हमारे साथ कोई वीडियो बना रहे हैं या कोई और चीज़। नहीं तो अक्सर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे थे। हाँ, आज हमने कहा तो ये बनाना शुरू हुए। बस मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, वैसे कैमरा आज मैंने रखा था, आज मेरा प्लान था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। आज भाई मिले हैं, भाई ने मतलब इनकरेज कर दिया कि वीडियो बनाओ, तो वीडियो बनाऊंगी। बस अभी हम आए हुए हैं जलालपुर, जलालपुर से हमें जाना है बाहुलपुर, बाहुलपुर हमारा इंतजार कर रहे हैं आज़ाद भाई। आज़ाद भाई आए हुए हैं लाहौर से, युवा से स्टडी कर रहे हैं, तो अभी उनसे मिलेंगे। तो आज हम आज का दिन हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब यादगार रहेगा आज का दिन। आज स्टार्टिंग आपसे होगा भैया, हमें मिली है बोतलें भाई की तरफ से। सामने मेरी तेरी। जलालपुर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर बाहुलपुर की तरफ आता है बहादुरपुर, और बहादुरपुर में हमेशा जब भी मेरा चक्कर लगा है अपना जलालपुर साइड पे, और बारिश हो पर बारिश ना भी हो तो वहाँ पे गटर का पानी खड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी किस्म का पानी खड़ा होता है। अभी मैं निकला हूँ जलालपुर से बहादुरपुर की तरफ, और रास्ते में बहादुरपुर में अच्छा खासा पानी था, मतलब गंदा पानी, बारिश का पानी, क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं। बहादुरपुर में भी काफ़ी बारिश हुई है और यहाँ पे भी बारिश हो रही है, और अभी तक बादल रुके हुए हैं, मतलब अभी मज़ीद बरसात बरसा के जाएंगे बादल। और ये मेरा इस कैमरा के साथ फर्स्ट व्लॉग है नॉर्थ के टूर के बाद। नॉर्थ राइड करके जब मैं वापस आ रहा था तो वापस वापसी पे अच्छी खासी बारिश मुझे मिली थी, और मेरे बैग में पानी चला गया था, कैमरा ख़राब हो गया था, हर चीज़ मतलब जितने भी मेरे गियर्स थे सारे मतलब ख़राब हो गए थे, लैपटॉप तक ख़राब हो गया। दिन कैसे दे रहे हैं सर? 50 रुपये पाओ, 30 रुपये पाओ, 50 वाले दे रहे। दिल मेरा तोड़ ना जे, तू गला सब छोड़ ना, तू गला सब छोड़ ना। जो मैंने लास्ट लॉन्ग राइड की थी नॉर्थ नारायण कावान की तरफ, बाबूसर की तरफ, जैसे मैंने स्टार्ट की थी मतलब स्टार्ट से ही मसले आना स्टार्ट हो गए थे। पहले बाइक ख़राब हो गया था, फिर लाहौर जाना पड़ता है, लाहौर से बाइक सेट करवा के फिर मैं इस्लामाबाद गया था। हमारा प्लान था ग्रुप राइड का, क्योंकि यहाँ से मेरा प्लान था लाहौर जाने का, लाहौर से बाइक सेट कराई है, ओके था काम। उसके बाद हम दो बंदे थे, लाहौर से दो अफराद ने जाना था इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से तकरीबन कोई 10 पर्सन ने लॉन्ग राइड पे जाना था, मतलब 10 बंदों का ग्रुप था। कंप्लीट राइड हमने करनी थी कुमराट की तरफ, और वो हमारा प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि मुश्तबा भाई की वालदा की डेथ हो गई थी, फिर सारा प्लान ख़राब हो गया था। क्योंकि मैं इतने दूर से आया हुआ था इस्लामाबाद, तो फिर मैंने एक दिन ले के सोच के प्लान किया कि भाई मैं अकेला अब आ गया हूँ, इतना सफ़र कर लिया तो आगे ज़रा मैं खुद एक्सप्लोर कर जाता हूँ, मतलब सोलो राइड
ये मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस होना था ग्रुप राइड का, लेकिन ग्रुप राइड नहीं हुई। फिर मैं सोलो ही गया था नारायण कवान। जैसे ही मैं बालाकोट पहुंचा था, बालाकोट में मेरी जो ईवो मैंने साथ ले गया था इंटरनेट की एक्सेस के लिए, वो रस्ते में कहीं धक्कों में घिर गई थी। उससे अगले दिन मैंने प्लान किया था कि मैं जाऊँगा बाबूसर टॉप, और बाबूसर टॉप जाते हुए अगर आप गए हैं नॉर्थ, अगर आप नहीं गए तो आने वाले व्लॉग्स में शायद कुछ डाटा, क्योंकि वॉइस सिंक नहीं हो रही, जो सिंक वॉइस थी वो मुझे नहीं मिल रही, तो शायद व्लॉग आए शायद ना आए। अगर व्लॉग आ गया तो फिर आप देखिएगा कि वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है, अच्छा खासा पानी होता है, ठंडा यह पानी, बर्फ़ पानी होता है। वहाँ से बाइक जब मैंने क्रॉस किया था, मेरा वाटरप्रूफ शूज़ नहीं था, तो मतलब गीला हो गया था, बहुत ठंड लग रही थी। मैंने शूज़ उतार के अपनी बैक साइड पर लगा दिए थे अपने बाइक की बैक साइड पर, ताकि वो सूख जाएंगे तो फिर मैं उसको पहन लूँगा। जैसे ही मैंने उसे पीछे लगाया, और नारान में मैंने मेरे ख्याल से स्टे किया था, और पीछे मैंने देखा जाके सिलेंसर की मतलब गर्म हवा, सिलेंसर लग लग के वो उसका बेड़ा गर्क हो चुका था। तो नारान से आगे मुझे चप्पल से राइड करनी पड़ी थी, मैंने ग्लासेस पहनी हुई थी। वहाँ पे इतना रश मच गया था, मतलब काफ़ी लोग मतलब आगे थे सेल्फीज वगैरह लेने के लिए, मतलब मोटिवेशन भी मिली थी। वहीं पर कहीं पर मेरी ग्लासेस उतर गई, क्योंकि जब मैं राइड करता था, तो क्योंकि जब मैं राइड करता हूँ तो वो मैं ग्लासेस पहनता हूँ। वैसे भी जब मैं एड करता हूँ तो वो ग्लासेस मेरी आजकल नहीं है, क्योंकि वो बाबूसर टॉप पे ही कहीं रह गई हैं। मतलब ये सीन हो गया था स्टार्ट में। उसके बाद वापसी स्टार्ट हुई थी। वापसी मैं निकला था कागान से सुबह 7 बजे, और लगातार राइड का प्लान था। मैं निकला था सुबह 7 बजे नारान से, फिर बालाकोट, और वो मैंने कुछ ब्लॉग्स किए थे। उसके बाद मेरा प्लान था कि मुजफ़्फ़राबाद जाऊँगा, मुजफ़्फ़राबाद भी नहीं जा सका, क्योंकि वहाँ पे कोरोना की वजह से मतलब पुलिस वाले हमें नहीं अंदर दाखिल होने दे रहे थे, लॉकडाउन था। उसके बाद मेरा प्लान बना कि चलो भाई मैं चलता हूँ वापस बहावलपुर, सीधा हमारी ब्रेक लगी बहावलपुर। तो हम वाकेंट रुके थे थोड़ी देर, वहाँ पे हमने ऑयल चेंज कराया था बाइक का, और उसके बाद हम वापसी आते, और वापसी आते हुए मुझे मिली थी बारिश लैया से बारिश मिली थी, और बहावलपुर तक अखीर किस्म की बारिश थी। मेरे पास 2 बैग्स थे, टैंक बैग भी वाटरप्रूफ था, मतलब एक लेयर थी पैराशूट की, और दूसरा बैग था लोप्रो काफ़ी अच्छा बैग माना जाता है, और वो वाटरप्रूफ उसके ऊपर लेयर थी। मैंने लगा के मैं राइड करता रहा, मैंने कहा भाई मज़ा लेते हैं इतने बारिश का। लेकिन जब मैं घर पहुँचा हूँ तो अंदर देखा है सारा पानी था, जितने भी गैजेट्स थे मेरे तकरीबन सारे ख़राब हो गए थे सिवाय मोबाइल के और गोप्रो के। अभी रिसेंटली कुछ बेहतर करवाया था, मैं अब गया था कराची, मैं व्लॉग्स नहीं बना सका हूँ, मतलब काफ़ी डिप्रेशन, समझ लें आप डिप्रेशन टाइप ऑफ हो गई थी, क्योंकि लैपटॉप भी अभी मैंने जाके उठाना, मतलब आज के व्लॉग में लंबा व्लॉग है क्या है, मतलब मैं आज व्लॉग रैंडम व्लॉग डालने वाला हूँ। अभी मैं बहावलपुर जाऊँगा और लैपटॉप उठाना है, लैपटॉप उठाते हैं, और उसके बाद आज़ाद भाई आए हुए हैं, आज़ाद भाई से मिलेंगे। आज का व्लॉग मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, और काफ़ी दिनों बाद व्लॉग करने से काफ़ी खुशी मिलती है। व्लॉग मैं तब करता हूँ जब मैं मतलब यस हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छे दिन आना स्टार्ट हो गया। अभी मुझे कॉल आई है, लैपटॉप बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि जब मैं देने गया था तो पहले मैं 2 शॉप्स पे गया था, उन दोनों ने कहा था कि डेड लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लैपटॉप ठीक हो गया। अभी पहले मैंने उठाना है आज़ाद भाई को, उसके बाद हम चलेंगे लैपटॉप उठाने, और आज का इतना ही होगा व्लॉग।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। वेलकम टू भावलपुर। उमर भाई से बड़ी मुश्किल से हमारी अपॉइंटमेंट हुई है क्योंकि बिजी होते हैं ये भी, तो भावलपुर आए थे। और भावलपुर जब भी हम आए और उमर भाई को मिले बगैर चले जाएं, ये हो नहीं सकता। और इनसे काफ़ी सारी गाइडेंस भी लेनी है आज, वीडियोज़ के हवाले से, एडिटिंग के हवाले से, तो वो भी लेंगे। अभी फ़िलहाल कुछ पेट पूजा के लिए पहुँचे हुए हैं, तो पेट पूजा हल्की फुल्की करके इंशाल्लाह फिर जो है व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। आजा मेरे कोल ना वे, दिल तेरे नाल लाके, दिल मेरा तोड़ ना जे। हम आए हैं एयरपोर्ट रोड और आज़ाद भी हमारे साथ हैं। हमने आज़ाद भाई को रिक्वेस्ट किया कि एक दो दिन रह जाए हमारे पास, तो हम एक दो दिन ब्लॉग करेंगे और हम रूटीन में आ जाएंगे। मतलब रूटीन नहीं बन रही है तो मतलब मज़ा नहीं आ रहा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। तो देखते हैं आज़ाद भाई हमारे साथ अगर ब्लॉग करेंगे तो कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। मैं ये इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो है ना, हम जब छोड़ देते हैं तो इसमें वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। इंशाल्लाह मैं भी शुरू करता हूँ, आप भी शुरू करें। हाँ जी, तो जो है ना व्लॉग इंशाल्लाह बनाएंगे। बस व्लॉग हो गया इंशाल्लाह। अभी मैंने लैपटॉप उठाना है, लैपटॉप उठा के चलेंगे घर। लैपटॉप वाला व्लॉग अगले व्लॉग में, आपको देखें। ये था व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैंने लॉन्ग राइड की थी नॉर्थ नारायण कागान।